ये गाना गीतकार साहिर लुधियानवी और संगीतकार रवि की जुगलबंदी के साथ मोहम्मद रफी की बेमिसाल प्रतिभा का गवाह है। बिखर जाए इस गाने पर ना निर्माता को यकीन था और ना ही संगीतकार को, लेकिन मोहम्मद रफी ने इसे इस अंदाज में गाया कि आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बन गया। अगर संगीतकार रवि को ये गाना संगीत के मीटर पर फिट नहीं लग रहा था, लेकिन वो साहिर के गुस्सेल मिजाज से डरते थे। इसके बावजूद जब उन्होंने साहिर के सामने सुझाव रखने की हिम्मत की, तो साहिर ने उन्हें बुरी तरह से डांट दिया था। खुल के इस गाने में अच्छा शब्द 17 बार आया है, लेकिन ये मोहम्मद रफी का आत्मविश्वास और उनकी सुरों पर पक्की पकड़ ही थी कि उन्होंने हर बार अच्छा शब्द को अलग-अलग तरीके से गाया, और ये गाना आज भी रफी साहब के इस प्रयोग के कारण सुना जाता है। गुजर तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजकुमार, मीना कुमारी और धर्मेंद्र जैसे सितारों से सजी फिल्म काजल की, और उसमें साहिर, रवि और मोहम्मद रफी की जुगलबंदी की। तो चलिए शुरू करते हैं गीत और संगीत का ये सफर। पुराने दौर के गाने जब भी सुनेंगे तो हमेशा एक नयापन महसूस करेंगे। मेरे दिल से निकले हाय गोर क्यों नखरे दिखलाए तोरा मन दर्पण कहलाए बड़े यकीन से मैंने ये हाथ। पुराने गानों को इस तरह रचा जाता था कि वे आज भी सुनने पर दिलों में बस जाते हैं। गानों को रचते समय कई परेशानियां भी आया करती थी। ऐसी ही समस्या संगीतकार रवि के सामने एक दफा आई थी। गीतकार साहिर लुधियानवी के लिखे गीत को लेकर वे संशय में थे, लेकिन मोहम्मद रफी ने उनकी मुश्किलों को चुटकियों में दूर कर दिया। रफी साहब ने गीत में एक ही शब्द को 17 तरीके से गाया, जिसे सुनकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। गुजर जाए तो अच्छा। गाने और किस्से पर बात करने से पहले फिल्म के बारे में बता देते हैं। 1965 में फिल्म काजल आई थी, जिसे राम माहेश्वरी ने निर्देशित किया था। फिल्म में मीना कुमारी, राजकुमार, धर्मेंद्र, महमूद, पद्मिनी, मुमताज, दुर्गा खोटे और हेलेन ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इन चारों हीरो हीरोइन के अभिनय के मामले में एक दूसरे को तो टक्कर दी ही, साथ ही खूबसूरती और चेहरों की तरोताजगी के मामले में निर्देशक के सिलेक्शन की दाद दी जानी चाहिए। कहलाए अगर मुझे न मिली तुम मेरे भैया मेरे चंगा तेरे मन पे चढ़ गया संग यही अब। हालांकि काजल में मीना कुमारी अपने चिरपरिचित अंदाज में दर्द और गम को जिस तरह व्यक्त करती है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। इसके साथ ही पंजाब के मुंडे हीमेन धर्मेंद्र की बॉडी, राजकुमार का एक नाकाम प्रेमी का किरदार और एक्ट्रेस पद्मिनी ने एक ईर्ष्यालु पत्नी के रूप में बेहतरीन काम किया है। इसमें राजकुमार अपने अभिनय के शिखर पर नजर आते हैं। उसे बचाकर अपने नाम की तो लाज रख ले भगवान। यह फिल्म गुलशन नंदा के नॉवेल माधवी पर बेस्ड थी। फणी मजूमदार और केदार शर्मा ने डायलॉग लिखे थे। फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी और उस साल की हाईएस्ट प्रेसिंग मूवी बनी थी। इस फिल्म का संगीत रवि ने दिया था और गीत साहिर लुधियानवी ने लिखे थे। साहिर लुधियानवी उन दुर्लभ शायरों में से थे जिन्होंने अपनी शायरी को हिंदी फिल्म संगीतकारों या निर्माता निर्देशक या हीरो की मनमर्जी के मुताबिक नहीं डाला। वो अपनी शर्तों पर काम करते थे और वो जो लिख देते थे वही निर्माता निर्देशक या संगीतकार को मानना ही पड़ता था, चाहे वो विद्रोह के गीत लिखें, कॉमेडी, कव्वाली या मुजरा या रोमांस।
वो उर्दू शब्द का उपयोग उतनी ही आसानी से करते थे जितनी आसानी से वो बाकी भाषाओं या बोलियों के शब्द करते थे। ये भी जरूरी नहीं था कि वो आम लोगों की समझ में आने वाले शब्द ही इस्तेमाल करें, बल्कि उनकी कोशिश ये होती थी कि वो जिस शब्द का प्रयोग करें उसका भाव आम दर्शक तक आसानी से पहुंच जाए। संगीतकार रवि के साथ साहिर लुधियानवी ने करीब 15 साल तक 19 फिल्मों में काम किया। इन दोनों की जोड़ी ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को बहुत नायाब और सुरीले गीत संगीत की सौगात दी। उतर जाए तो अच्छा। इस फिल्म के निर्माता, निर्देशक और संगीतकार ने उस जमाने के सभी बड़े गायकों को मौका दिया था और साहिर साहब की बेमिसाल शायरी ने दर्शकों को दीवाना कर दिया था। काजल में मोहम्मद रफी, आशा भोसले, महेंद्र कपूर जैसे गायकों ने अपने सुरों से गीतों को सजाया है। यही वजह है कि इस गाने के अलावा फिल्म के बाकी गाने भी बहुत लोकप्रिय हुए थे। तन की दौलत ढलती छाया, देखेगा मचल जाएगा, मेरे जहां से कोई रोशनी नहीं, सांसों की कसम खा के हवा चलती है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, इतनी हिट रही कि उस साल की कमाऊ फिल्मों में इसका 10वां नंबर था। बाद में उसे तेलुगु में भी बनाया गया। इस फिल्म की कमाई का अंदाजा इस बात से ही लगा सकते हैं कि इसने उस वक्त भी 2 करोड़ रुपए कमाए थे, जो कि आज कितने होंगे इसका अंदाजा मैं आप पर छोड़ता हूँ। सर जाए तो अच्छा। फिल्म काजल ने कई पुरस्कार जीते, कई जॉनर में इसके नामांकन हुए। मीना कुमारी इसमें बेस्ट एक्ट्रेस तो पद्मिनी फिल्म फेयर का सपोर्टिंग एक्ट्रेस का पुरस्कार ले गई। एक ही गीत गाने के लिए मोहम्मद रफी को सर्वोत्तम पार्श्व गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। राजकुमार का नामांकन फिल्म फेयर के लिए बेस्ट एक्टर के तौर पर हुआ था। साथ ही बेस्ट स्टोरी के लिए गुलशन नंदा का नामांकन हुआ था। देवी की आखिरी आरज़ू कभी अधूरी नहीं रहने दूंगा। फिल्म काजल के सभी गीत उस दौर में ब्लॉकबस्टर रहे थे। गीतकार साहिर हमेशा फिल्म की कहानी के अनुसार गीत लिखा करते थे। इसके बाद संगीतकार धुन बनाते थे। फिल्म का गीत ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा, बिखर जाए तो अच्छा। जब रवि के सामने आया तो उन्हें यह गीत कुछ सही नहीं लगा। दरअसल गीत में 17 बार अच्छा शब्द है। ऐसे में रवि साहब चाहते थे कि इसमें कुछ बदलाव किया जाए या फिर अच्छा है जोड़ दिया जाए, लेकिन साहिर ने शब्दों में किसी भी तरह का बदलाव करने के लिए सिरे से इनकार कर दिया। साहिर साहब ने जब रवि को गाने में बदलाव करने के लिए मना लिया तो रवि मोहम्मद रफी साहब के पास पहुंचे। उन्होंने रफी साहब को बताया कि गाने में एक ही शब्द 17 बार है जो सही नहीं लग रहा है। इस पर रफी साहब ने गीत को पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, आप धुन बनाइए, बाकी मैं देख लूंगा। रिकॉर्डिंग के दौरान रफी साहब ने अपनी प्रतिभा दिखाई और 17 बार इस शब्द को अलग अंदाज में गाया। यह देखकर रवि की आंखों में चमक आ गई और वे रफी साहब की प्रतिभा का लोहा मान गए। उतर जाए तो अच्छा। बता दें, फिल्म में यह गाना 3 बार आता है। पहले पार्ट में अच्छा शब्द 10 बार, दूसरे पार्ट में 2 बार और तीसरे पार्ट में 5 बार आता है। फिल्म में गाना राजकुमार और हेलन पर फिल्माया गया है। इस बार जब ये गाना सुनेंगे तो आपका अनुभव कुछ अलग होगा। बिखर जाए तो अच्छा। तो दोस्तों, इस पेशकश में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये पेशकश जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिखर जाए तो अच्छा।